हाँ जी श्री देवी को विवाह करने के लिए वेंकटेश्वर से कुबेर से वेंकटेश्वर कब्जा उठा लिया। श्री देवी से विवाह करने के लिए वेंकटेश्वर ने कुबेर से कर्जा उठाया। हाँ मंदिर में सारा धन संपत्ति वो कुबेर के साथ देनी पड़ती है। सारा धन संपत्ति माना क्या ये समस्या से हो ये क्यों चिंता है सारा धन संपत्ति माना क्या ये क्यों चिंता कहा सकता है। कुबेर रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? तो रुद्रमाला का मणका है। ज्ञान की धन संपत्ति रुद्रमाला वाले कमाते हैं या विजयमाला वाले कमाते हैं? रुद्रमाला वाले ही ज्ञान की धन संपत्ति कमाते हैं। रुद्रमाला में ही दुनिया का बड़े से बड़ा राजा वेंकटेश्वर स्वामी धन संपत्ति कमाने वाला भी है और भी बहुत से साथी हैं जो मनन चिंतन मंथन से धन कमाते हैं। परंतु वो सारी धन संपत्ति जब लक्ष्मी आती है जिसे श्री देवी कहा जाता है तो उसे अर्पण करनी पड़ती है। क्योंकि श्री देवी नाम ही तब पड़ता है जब श्रेष्ठ कार्य किया है। पवित्रता का पालन किया है तो पवित्रता के एवज में वो सारी ज्ञान की धन संपत्ति उसे अर्पण करनी पड़ती है। भक्ति मार्ग में इसकी यादगार दिखाते हैं स्कूल धन के रूप में। कि मंदिर में जितनी भी धन संपत्ति आती है स्थूल धन संपत्ति वो सारी की सारी किसे देनी पड़ती है? हैं? कुबेर को देनी पड़ती। कुबेर ने क्या किया? जरूर कुबेर ने पवित्रता का फाउंडेशन डाला है। दुनिया के सारे कार्य पवित्रता के आधार पर ही संपन्न होते हैं। तो वेंकटेश्वर स्वामी की जो राजधानी का फाउंडेशन है वो भी कुबेर की पवित्रता के आधार पर पड़ता है। उससे पहले वो फाउंडेशन नहीं पड़ता है। इसलिए दिखाया गया है कि जितनी भी धन संपत्ति आती है विजयमाला से गठबंधन करने के लिए
वो सारी की सारी कुबेर के खजाने में जमा होती है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जब ये शूटिंग का काम चलता है तो मुख्य तो है ज्ञान की धन संपत्ति, और साथ साथ बोला है कि ये ज्ञान रतन ही स्थूल संपत्ति बन जाएगी, स्थूल रतन बन जाएंगे। तो हद की संपत्ति हो या बेहद की संपत्ति हो, सारी संपत्ति का स्वामित्व कुबेर के पास चला जाता है। भक्ति मार्ग में भी जो राजाएं हुए, राज्य हुए, उनमें कोषागार संभालने वाला कोई जरूर होता है। तो फाउंडेशन कहाँ पड़ता है कोषागार संभालने का? संगम युग में पड़ता है। और वैष्णव देवी में कब और कैसे प्रवेश करेंगे? विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? नो विष, जिसमें विष है ही नहीं, विषयी विकारी है ही नहीं, वो पतित है या पावन है? है? तो पावन में शिव बाबा आते हैं क्या? शिव बाबा तो पतित में आते हैं, पतित में आकर पतित को पावन बनाते हैं। तो ब्रह्मा में आते हैं या ब्रह्मा पुरुषार्थ करके संपन्न बन जाता है, परिपूर्ण हो जाता है पुरुषार्थ, तो विष्णु बनता है। विष्णु संपन्न स्टेज है, पावन स्टेज है, उसमें आने की दरकार नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि विष्णु के रूप में जो बैलेंस का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसने भी पुरुषार्थी जीवन में कोई ब्रह्मा का पार्ट बजाया है। ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? तो उनमें से कोई ब्रह्मा है जो पहले पहले ब्रह्मा को विष्णु की स्टेज पकड़ लेता है। इसलिए विष्णु में प्रवेशता की जरूरत नहीं है। विष्णु तो प्रैक्टिकल का यादगार है। ब्रह्मा द्वारा वाणी चलती है, शंकर द्वारा संकल्पों से शूटिंग होती है, दोनों पुरुषार्थी जीवन में ब्रह्मा का पार्ट बजाते हैं। एक प्रजापिता ब्रह्मा है जिसके संकल्पों से चार धर्मों की चार बीज रूप आत्माओं सनत कुमारों की उत्पत्ति होती है। ये संकल्पी सृष्टि की बात है। संकल्प को बीज कहा जाता है, वाचा को बीज नहीं कहा जाता, परंतु संकल्प चलाने से भी कुछ ज्यादा है सिद्धि नहीं मिल जाती है, वाचा से भी सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्ध तब कहा जाता है जब प्रैक्टिकल कर्मों में देखने में आवे।
तो विष्णु का पार्ट प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में जीवन में पवित्रता देखने में आती है, दृष्टि में भी पवित्रता, वाइब्रेशन में भी पवित्रता और कर्मेंद्रियों के कर्मों में भी पवित्रता देखने में आती है। तब दुनिया मानती है कि पवित्र दुनिया की स्थापना होने वाली है, हो रही है। नहीं तो सिर्फ बोल बोल से दुनिया नहीं मानती। और माता के गर्भ में आपका प्रवेश होते हैं, माता के गर्भ में आपका बच्चे के रूप में आपका प्रवेश होते हैं ना, बाहर आने तक तो पूर्व के जन्म पूर्व जन्म जो स्मृति याद आती है, जब तक सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म शरीर ही कार्य करेगा, स्थूल शरीर तो परिपक्व नहीं बनता। तो पूर्व जन्म की याद आती रहती है, बच्चा जन्म ले लेता है तो भी याद में रहता है, कभी स्वयं ही हंसता है कभी स्वयं ही रोता है, उसको कोई हंसाता या रुलाता नहीं है। तो उससे साबित होता है कि पूर्व जन्म की स्मृति में है। और भूख माने भूसा, बसर माने अनाज। अनाज में ताकत होती है, भूख माने भूसा में कोई ताकत नहीं होती है। रमतु रमजवाद का मतलब ये है कि कठिनाई से ज्ञान नहीं देते हैं, सहज सहज हंसी कुड़ी में ज्ञान देते रहते हैं। साधारण साधारण रोजमर्रे की बातें सुनाकर ज्ञान देते हैं। नहीं तो दुनिया में जो पढ़ाइयां पढ़ाते हैं, शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, उनमें तो बड़ी तिकड़म पैंच होती है, बहुतों की समझ में ही नहीं आता है इनका क्या लिंक है। और बाप तो जो ज्ञान सुनाते हैं बहुत सहज करके बताते हैं, हंसी कुड़ी में भी समझाते रहते हैं। और ब्राह्मण की नौ पुरियां गाई हुई हैं और दुनिया में भगवान से राजाई प्राप्त करने वाली नौ धर्म की आत्माएं हैं, नौ धर्मों में राजाई चली है, कोई में कम कोई में ज्यादा लंबे समय तक। तो ब्राह्मण नंबरवार हैं तो देवताएं भी नंबरवार बनते हैं। ऊंची कोटि का ब्राह्मण होगा तो ऊंचा पुरुषार्थ करेगा। जैसे लौकिक दुनिया में कहते हैं ये ऊंची कोटि का ब्राह्मण है तो उसमें जो खून आया है वंशानुक्रम से
वो कोई ऊंचे ब्राह्मण ऋषि मुनि का आया होगा, इसलिए कहते हैं कि ये ऊंची कोटि का ब्राह्मण है। वो भक्ति मार्ग में स्थूल खून होता है, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा खून है? संकल्पों का खून है। जो एक बाप के सिवाय और कोई की बातों पर ध्यान नहीं देते, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसने हमको ऐसा क्यों कह दिया, इसने हमको वैसा क्यों कह दिया, इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, एक शिव बाबा की बातों पर चलते हैं, तो उनके संकल्पों का खून शुद्ध हुआ या अशुद्ध हुआ? शुद्ध खून हुआ। ऐसी आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थी होती हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की गिनती में गिनी जाती हैं। कोई दीदी दादी दादाओं की बातों को मानने वाली नहीं होती है। तो ऊंचे ब्राह्मण है तो देवता भी ऊंची कोटि के बनते हैं। कितने नारायण हैं? नौ गद्दियों में नौ नारायण हैं, नौ ही धर्म हैं भगवान से प्राप्ति करने वाले। उन नौ धर्मों से चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं इस ज्ञान में आती हैं, ब्रह्मा के बच्चे बनती हैं, और पुरुषार्थ करती हैं। परंतु पुरुषार्थ वैसा ही करेंगी जैसा 63 जन्मों में उनको संघ का रंग मिला होगा। लास्ट में आने वाला कोई धर्म है जैसे सिख धर्म, तो सिख धर्म की जो आत्माएं हैं वो बहुत ऊंची कोटि की तो नहीं कही जाएंगी। कलयुग के मध्य में आते हैं तो उनको जो सबाका पड़ता है संग का रंग लेना पड़ता है, पंजाब साइड में, तो कौन से धर्म की आत्माओं का उनका संग ज्यादा हो जाता है? पश्चिमी सभ्यता से मुसलमान आए, पश्चिमी सभ्यता से क्रिश्चियंस आए, और उन्होंने भारत पर लगातार आक्रमण किए हैं, तो उनके संग के रंग में उनको रहना पड़ा। तो ये संग का रंग 63 जन्मों का लग गया, इसलिए संकल्पों का खून उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। जैसा संग वैसा ही रंग लग गया, उस रंग के कारण बल ऐसी आत्माओं को बाप का परिचय मिलता है तो भी यथार्थ से बाप को पहचान नहीं पाते हैं, न पहचान पाने के कारण ज्ञान भी उतना गहराई से नहीं ले पाते। लास्ट में जब ज्ञान सूर्य दोपहर के 12 बजे तेजी से चमकता है,
तब उनकी आंखें खुलती है। ये सच्चाई क्या है, तो टू लेट हो जाता है। ऐसे ही और धर्म भी नंबरवार हैं, कोई सत्व प्रधान स्टेज में आते हैं, कोई रजो प्रधान स्टेज में आते हैं, कोई तमो प्रधान स्टेज में आते हैं। जो सृष्टि की तमो प्रधान स्टेज में रंगमंच पर आवेंगे तो उनको संघ का रंग भी कैसा लगेगा, तमो प्रधान ही लगता है। इसलिए मुरली में बोला है, कोई आत्मा भले इस जन्म में ब्राह्मण है, ब्राह्मण धर्म में ही जन्म लिया है, परंतु यदि पूर्व जन्मों की वैश्या होगी तो पुरुषार्थ करते करते वैश्याओं की तरफ ही चली जाएगी। ये संघ के रंग का प्रभाव हो जाता है। तो ईश्वरीय ज्ञान में ईश्वर तो हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माओं को उठाता है, परंतु दूसरे धर्मों से जो उठाई हुई आत्माएं संगम युग में ब्राह्मण बनती हैं, वो अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब और संघ के रंग के आधार पर फिर भी उसी तरफ चली जाती है। आए हुए बाप को पूरी रीति पहचान नहीं पाती है, इसलिए कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाते हैं, कोई निष्कर्ष पुरुषार्थी बनते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हैं वो पूरे 84 का चक्कर लगाने वाले देवता बनते हैं, जन्म जन्मांतर उच्च पद पाते हैं। जो निष्कर्ष हैं उनके जन्म भी कम हो जाते हैं और पद भी उतना ऊंचे नहीं पाते। और कहते भी है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शंकर व त्रिमूर्ति विष्णु नहीं कहेंगे, देवदेव महादेव तो शंकर को कहते, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? उनसे प्रजा रखते हैं तो ये उनकी बनी बनते हैं, शंकर व विष्णु बनी नहीं बनते। मैं बहुत वंडरफुल बात है, समझ नहीं की तो शंकर व विष्णु बनी नहीं बनते। शंकर है जिसको कहा जाता है, वो एक आत्मा का पार्ट है या कई आत्माओं का एक शरीर में मिक्स पार्ट है? शंकर माना ही मिक्स। और विष्णु के बारे में तो पहले ही बता दिया, विष्णु कोई अलग से होता नहीं है ऐसा देवता, ये तो चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। ये बाद में प्रत्यक्ष होने वाले देवताएं हैं या पहले प्रत्यक्ष होते हैं? हा? बाद में प्रत्यक्ष। और बाप, बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में आता है, उसी समय बच्चे के सामने बाप प्रत्यक्ष होता है या बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब प्रत्यक्ष होता है? है, जन्म लेते ही प्रत्यक्ष हो जाता है बच्चे के सामने बाप? नहीं प्रत्यक्ष होता, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तब बच्चा बाप को पहचानता है। तो ब्रह्मा तो माँ है,
माँ से बच्चे को जन्म मिलता है, बच्चे को ये पक्का नहीं होता है कि माँ से वर्षा मिलेगा। बीज बोने वाला तो बाप है, परंतु बीज गुप्त में बोता है या बच्चे को पता चल जाता है? गुप्त में होता है। तो ब्रह्मा का पार्ट पहले है और विष्णु और शंकर का पार्ट बाद में है, इसलिए ब्रह्मा को बाप नहीं कहेंगे और सूर्यवंशियों की माँ जगदम्बा को नहीं कहेंगे, क्योंकि जगदम्बा जो मणका है वो सारे जगत से कनेक्टेड है या सिर्फ सूर्यवंशियों से कनेक्टेड है? और सारे जगत में नीच से नीचे पार्ट बजाने वाले मनुष्य भी हैं और ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाले मनुष्य भी हैं, लेकिन वो कौन से युग में होते हैं? नीच से नीचे पार्ट बजाने वाले भी होते हैं और ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाने वाले भी होते हैं, लेकिन कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होते हैं, वो सतयुग के आदि में नहीं होते। और जो असंग सूर्यवंशी हैं वो कलयुग अंत में होते हैं या सतयुग आदि में ही होते हैं? है, सतयुग आदि में ही होते हैं। जो माला बनती है उस माला में, माला बनाते समय जो 12-12 के ग्रुप के 9 ग्रुप हैं, वो 9 ढेरियां इकट्ठी की जाती हैं पहले अलग अलग। फिर जब माला बनाते हैं तो जो अव्वल नंबर ढेरी है उसमें से मणके पिरोए दिए जाते हैं, लास्ट नंबर की जो ढेरी होगी या नहीं होगी वो मणके भी बाद में पिरोए जाते हैं। कुछ मणके दाईं ओर रखे हुए हैं, कुछ मणके बाईं ओर रखे हुए हैं। तो जो दाईं ओर के हैं वो पहले माला में समावेश होते हैं और बाईं ओर के बाद में समावेश होते हैं। तो माला बनाते समय कौन सा वंश पहले आवेगा? सूर्यवंश पहले आवेगा। जब सूर्यवंश आवेगा उस समय सारे जगत से कनेक्शन कहा जाएगा, सारे जगत का कनेक्शन कहेंगे नहीं कहेंगे? सूर्यवंशियों की माँ भी सूर्यवंशी चाहिए। ये संग के रंग का असर पड़ जाता है। माँ का खून बच्चों में जाता है या नहीं जाता है? अगर माँ श्रेष्ठ वंश की होगी तो बच्चे भी श्रेष्ठ वंशी बनेंगे।
जैसे बच्चे हैं, माँ की गोद में सब बच्चे खेलते हैं, तो माँ को भी उन बच्चों के संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? माँ को भी लगता है, संग का रंग लगेगा तो कमजोरी आएगी या नहीं आएगी? इसलिए लक्ष्मी के पार्ट में और जगदम्बा के पार्ट में अंतर पड़ जाता है। वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा कौन है? ये ब्रह्मा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए मम्मा के स्थान पर ओम राधे को बैठाया गया। इससे साबित हो जाता है कि जगत पिता के रूप में जो पार्ट है वो अलग है, और जगत माता के रूप में जो पार्ट है वो अलग है। अगर स्थूल दुनिया के हिसाब से देखा जाए, स्थूल सृष्टि में जो सूरज चांद सितारों और पृथ्वी की दुनिया है, उसमें ऊंचे से ऊंचा पार्ट किसका है? है सूर्य का है। सूर्य ऊंची स्टेज में रहता है या नीची स्टेज में रहता है? सूर्य ऊंची स्टेज में रहता है, और पृथ्वी पृथ्वी जब सात्विक स्टेज में है तो सिर्फ देवताओं की माँ है पृथ्वी माता, लेकिन वो भारत माता कही जाती है या पृथ्वी कही जाती है? उसको भारत माता ही कहेंगे। भा माने रोशनी, रत माने लगी रहने वाली। ईश्वरीय जो ज्ञान है उस ज्ञान की रोशनी में लगी रहने वाली है, इसलिए वो धरणी भी भारत कही जाती है। वही धरणी पृथ्व्याति फैलती है द्वापर कलयुग में, तो फैलते फैलते संख्या बढ़ती है या घटती है? दुनिया की आबादी बहुत बढ़ती जाती है, तो पृथ्वी पर पाप आत्माओं का बोझ घटेगा या बढ़ेगा? क्या होगा? बढ़ जाता है। वो नाम पड़ता है फिर दिल्ली। एक दिल्ली ही दुनिया का ऐसा शहर है जहां सब धर्म की आत्माओं ने दिल्ली की गोद में राज्य किया है, खून खराबा भी किया है। नहीं तो शास्त्रों में कथन आया है कि पहले दिल्ली का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। धर्मराज ने उस दिल्ली को बताया था, उसकी यादगार में आज नई दिल्ली नाम दिया जाता है। पहले पुरानी दिल्ली थी। ये धर्मराज पार्ट किसका है? है ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा कृष्ण की सोल है, जो सतयुग में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेगा,
वो कृष्ण वाली आत्मा की राशि कौन से धर्म से मिलाई जाती है? क्रिश्चियंस से मिलाई जाती है। नई दिल्ली की स्थापना क्रिश्चियंस ने की है। वो तो हद की दिल्ली है, हद के पत्थरों की दिल्ली है, लेकिन बेहद में जो पत्थर बुद्धि है वो जगदम्बा है। जगदम्बा ही महाकाली का पार्ट बजाती है। तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल पार्ट बजाएगी, नई दुनिया की स्थापना का कार्य करेगी या विध्वंस का कार्य करेगी? ज्ञान से होती है स्थापना और अज्ञान से होता है विनाश। दुनिया में अज्ञानियों की संख्या ज्यादा होती है या ज्ञानियों की संख्या ज्यादा होती है? उसे ही जगत कहा जाता है। बाबा सारे दुनिया की बात को जो आत्मा मेरा है बाबा जी, आप हमेशा मोदी में आ रहे हैं क्या? आत्मा भी मेरा है, मेरा है, सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे बच्चे हैं। जो बाप के बच्चे होंगे, जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप की क्वालिटी वाले होंगे या बाप की क्वालिटी से दूर होंगे? क्वालिटी वाले होने चाहिए। तो जो बाप आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, सदैव 100% आत्मिक स्थिति वाला है, उसके बच्चे भी आत्माभिमानी होंगे या देह अभिमानी होंगे? तो मेरे बच्चे वो ही हैं जो मेरी बात माने। आज मुरली में क्या आया, बच्चा अगर बाप की बात न माने तो बच्चा बच्चा नहीं है, कपूत है, सपूत बच्चा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सभी आत्माएं 500 700 करोड़ दुनिया में जो भी है सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन क्या वास्तव में भगवान के बच्चे बनते हैं? प्रैक्टिकल में बच्चे बनते हैं? वो मेरे मेरा है। कमाल है, तुमको शायद गंदे बच्चों की पैदाइश का सबाका नहीं पड़ा है। जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। औरंगजेब के दरबार में शाहजहां का पार्ट होता तो तुमको पता चलता। मेरे मेरे ये मोह का भूत है या निर्मोही का भूत है? मोह का भूत है। मेरे बच्चे जिसने कहा वो प्रजापिता तो हो सकता है, लेकिन शिव बाप के लिए नहीं कहेंगे। शिव बाप तो आत्मिक स्थिति वाला है। जो बाप की रगों में खून है वो बच्चों की रगों में भी खून होना चाहिए। 700 करोड़ जिनका नाम लिया है वो 500 से लेकर के 700 करोड़ तो कीड़े मकोड़े हैं। क्या वो कीड़े मकोड़ों का बाप है? है? कीड़े मकोड़ों का बाप नहीं हो सकता। अरे 63 जन्म तो हम गालियां देते आए, अब तो हम जान गए ना। कि जो बाप है वो सूर्य है, जो सूर्य बाप है वो किसका बाप है?
है, सूर्यवंशियों का बाप है। और जो बच्चे हैं वो तो कई पीढ़ियों के बाद जन्म लेने वाले हैं, कि पहली पीढ़ी के बच्चे हैं, पहली पीढ़ी के बच्चे हैं या 84वें जन्म में बच्चे जन्म लेने वाले हैं, परम धाम से उतरेंगे तो नीची कोटि में जन्म लेंगे, सबसे नीची सीढ़ी में जाके जन्म लेंगे या ऊंची सीढ़ी से जन्म लेते आए हैं, तो बच्चे थोड़े ही हैं। जैसे कहते हैं पोत्रे परपोत्रे तरपोत्रे, तो पुत्र में ज्यादा ताकत होती है या पोत्रे तरपोत्रे में ज्यादा ताकत होती है, है? महाराणा प्रताप की 500 400 साल पहले की तलवार म्यूजियम में रखी हुई है, हम उसे हिलाए भी नहीं पा रहे हैं। आज से 400-500 साल पहले शरीर कितने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते थे, और 500 साल के बाद अब शरीर कैसे चिर्री हो गए। ये वंशानुक्रम से शक्ति आत्मा की घटती जाती है या बढ़ती है? घटती जाती है। बाप बाप होता है और बच्चा बच्चा पोतरा पोतरा होता है। बाबा भूत प्रेत आत्मा रात में ही क्यों आती है, सवेरे को क्यों भाग जाती है? सृष्टि में कौन सा टाइम है सवेरे का? इस सृष्टि में चार युग माने गए हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसमें सवेरे का युग कौन सा माना जाता है और रात का युग कौन सा माना जाता है? अज्ञान अंधेरा कौन से युग में होता है? कलयुग में। तो कलयुग की दुनिया में आज भूत प्रेतों की संख्या बढ़ रही है, राक्षसों की संख्या बढ़ रही है, पाप कर्म करने वालों की संख्या बढ़ रही है, अकाले मौत होने वालों की संख्या बढ़ रही है या सतयुग में बढ़ती है? तो कलयुग अज्ञान की रात है, अज्ञान की रात में ही पापियों की संख्या बढ़ती है। ये भूत प्रेत सब पाप आत्माएं हैं, या तो खुदकशी करके मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, या तो दूसरों की हत्या कर देते हैं। बड़े बड़े जघन्य पाप करने वाले जो होते हैं उनकी अकाल मौत होती है। वो अकाल मौत होने वाले सब भूत प्रेत बनते हैं। और वो भूत प्रेत पाप कर्म करने वाले ही बनते हैं। तो पाप कर्म सतयुग में होते हैं या कलयुग में होते हैं? कलयुग में होते हैं। इसलिए कलयुग है अज्ञान की रात। आज भी मुरली में आया, अभी दुनिया में रात है या दिन है? अभी दुनिया में रात है, तो भूत प्रेतों का बोलबाला है। कल क्या होगा? कल सवेरा हो जाएगा, तो भूत प्रेत भाग जाएंगे।
और अंत में बाप को कौन प्रदर्शित करेंगे? अंत में बाप को कौन प्रदर्शित करेंगे? जो पवित्र बनेंगे पहले वो प्रत्यक्ष करेंगे, जो बाद में पवित्र बनेंगे वो बाद में थोड़ा प्रत्यक्ष करेंगे। सारा मदार पवित्रता के ऊपर है। और पच्चीस का रास्ता तो 1936 से गया, लेकिन वो जो घर बनाने वाला एक साल के अंदर सबसे बना रहेगा। कहाँ बन गया 36 में सतयुग का नक्शा? नक्शा तो संकल्प जो बर्बाद के संकल्प से सतयुग आने जा रहा है, वो भी संकल्प वो नक्शा कहा जाता है। सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, ये कोई नक्शा हो गया? नक्शा जिसकी बुद्धि में आएगा वो मकान को बनाने वाला इंजीनियर भी तो होता है। मकान जब बनाया जाता है तो किसकी बुद्धि में पहले नक्शा आता है? मकान मालिक की बुद्धि में आता है या इंजीनियर की बुद्धि में आता है? है नहीं, मकान मालिक नहीं जानता नक्शा कैसा होगा। वो ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे दिमाग में क्लियर नहीं है कैसे कैसे करना। मकान मालिक नक्शा नहीं देता है, मकान मालिक सिर्फ ऑर्डर देता है इंजीनियर को कि नक्शा बनाओ। तो वो इंजीनियर कौन है और कब से आए संगम युग में? है 76 से कहेंगे कि रुद्रमाला के जो मणके हैं वो ही नंबर वार इंजीनियर हैं, संकल्पों में नई दुनिया बनाने वाले हैं। वो स्केच करते हैं, नक्शा तैयार हो रहा है, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। नक्शा पूरा तैयार होगा तो इंजीनियर मकान बना देगा या मकान बनाने के लिए मिस्त्री बाहर से बुलाए जाएंगे? हैं? वो मिस्त्री अभी आ गए या नहीं आ गए? हैं? नहीं आए। जो मकान बनाने वाले मिस्त्री और मजदूर होते हैं उनमें जास्ती प्योरिटी होती है या इंजीनियर्स में जास्ती प्योरिटी होती है? हाँ, जो मकान बनाने वाले वर्कर्स हैं उनमें जास्ती प्योरिटी होती है। साहूकार कौन होते हैं और गरीब कौन होते हैं? है इंजीनियर साहूकार होते हैं और मिस्त्री कारीगर गरीब होते हैं। तो नक्शा तो तैयार हो रहा है लेकिन नक्शे के अनुकूल मकान बनाने वाले
किला बनाने वाले वर्कर भी नहीं आए हैं। उनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि विजय माला का आवाहन करो, वो फटाफट नई दुनिया का मकान बना के खड़ा कर देंगे। और है विष्णु को शंकर को भी अहंकार हो सकता है। हाँ, क्योंकि विष्णु और जो शंकर का पार्ट है वो भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा जाता है या नहीं पूजा जाता है। जिसकी मूर्ति बनती है उसका मूर्त रूप हुआ या अमूर्त रूप हुआ। मूर्त माना साकार। पुरुषार्थी जीवन में जब साकारी रूप है तो निराकारी नहीं कहेंगे। निराकारी है तो साकारी नहीं कहेंगे। भगवान साकार भी होता है निराकार भी होता है, लेकिन देवताएं साकार भी होते हैं, निराकारी स्टेज में भी स्थिर होते हैं और मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में भी होते हैं। लेकिन उनकी आकारी स्टेज नंबरवार है। ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स की आकारी स्टेज सबसे नीची है। विष्णु और विष्णु के फॉलोअर्स की आकारी स्टेज ब्रह्मा और ब्रह्मा से ज्यादा ऊंची है, ब्रह्मा के फॉलोअर्स से। और शंकर को जो सपोर्ट करने वाली आत्माएं हैं उनकी आकारी स्टेज ब्रह्मा से भी ऊंची है और विष्णु से भी ऊंची है। इसलिए तीन पुरियों में तीनों देवताओं को दिखाया है, ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी और विष्णुपुरी से ऊपर शंकरपुरी। ब्रह्मापुरी एकदम साकारी सृष्टि के नजदीक है और शंकरपुरी एकदम निराकारी स्टेज के नजदीक है, तो भारी अंतर पड़ जाता है। और भक्ति मार्ग में गाते हैं जब सूर्य ग्रहण पड़ता है चंद्र ग्रहण पड़ता है, वेदांत तो छूटे ग्रहण, किसके लिए गाते हैं? गाने वाले कौन हैं? नदी में स्नान करने जाते हैं ग्रहण के समय तो जो चिल्लाते हैं वो कौन लोग होते हैं? हैं? अरे चांदाल लोग होते हैं, वो याद दिलाते हैं। देदान तो छूटे ग्रहण, किसका ग्रहण? अरे किसके ऊपर ग्रहण पड़ा है? सूर्य और चंद्रमा के ऊपर। परंतु जो गाते हैं और जो गाने वालों का अनुसरण करते हैं दान देने के लिए, वो सब भक्त हैं या ज्ञानी हैं? भक्त हैं।
वो तो बेचारे नहीं जानते हैं कि सूर्य के ऊपर कभी ग्रहण लगता ही नहीं है, ये तो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है विकारों का। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य होता है, तो परछावा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा है? अरे कैसे पड़ेगा, एक तरफ पृथ्वी है, एक तरफ चंद्रमा है, बीच में सूर्य है, तो किसके ऊपर परछाया पड़ेगा? पड़ ही नहीं सकता। परछाया कब पड़ता है? जब एक तरफ सूर्य हो, दूसरी तरफ पृथ्वी हो और बीच में चंद्रमा आ जाए, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी पर पड़ेगा, तो लोगों को नजर आता है कि सूर्य का कुछ हिस्सा दब गया। वास्तव में सूर्य तो आग का गोला है, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का परछाया पड़ रहा है। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से जो आत्माएं प्रभावित तो हो जाती हैं, जैसे जगदम्बा और जगदम्बा की भुजाएं, उनको ग्रहण लगता है, वो परछावे में आती है, अंधेरे में आती है, ऐसे नहीं कि सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ा है। तो वो भक्त लोग तो बिना जाने ऐसे ही गाते रहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, सूर्य का ग्रहण तब छूटेगा जब सूर्य को दान देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वास्तव में सूर्य के ऊपर तो ग्रहण करने चढ़ने की बात ही नहीं है, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण पड़ता है। जब एक तरफ सूर्य है, बीच में पृथ्वी आ गई और दूसरी तरफ चंद्रमा है, तो पृथ्वी माने कन्याओं माताओं धरणी का परछाया ब्रह्मा के ऊपर पड़ता है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में दीदी दादियां बैठी हुई हैं, वो अपनी अकल चला करके उल्टा डायरेक्शन देती है, तो वो परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, चंद्रमा के फॉलोअर्स के ऊपर पड़ता है। वो चंद्रमा और चंद्रमा के फॉलोअर्स अंधेरे में आ जाते हैं, उल्टे डायरेक्शन पर चलने के कारण उल्टे काम करते हैं। ज्ञान सूर्य को नहीं पहचान पाते क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गई, धरणी बीच में आ गई, तो उस समय के लिए तो ठीक है कि दे दान तो छूटे ग्रहण, किसको दान दे? सूर्य को दान दे। अरे सूर्य तो वैसे ही तपता हुआ गोला है, सबसे बड़ा तपस्वी है, उससे ज्यादा तपत में तो कोई होता ही नहीं है। दान ही देना है तो कन्याओं माताओं रूपी धरणी को दान देना है। जो चंद्रमा के परछावे में आ जाती है, गाय
तेलुगु भाषा में बोल दो आओ पाइना अब बताओ हिंदी में वापस बोले है ना गाय को ऊपर गर्म पानी डाल के पिटाई करते हैं हाँ फिर उसकी चमड़ी निकालते हैं बाला निकाल देते हैं हाँ जी हाँ जी तो ऐसी 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 कन्याएं माताएं जो बांधेली हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे हैं है? तो उसी की शूटिंग होती है और ईस्टर्न टनल में तमिलनाडु और कलकत्ता दोनों में आई ईस्टर्न टनल में हाँ तमिलनाडु और कलकत्ता ईस्टर्न जोन में तमिलनाडु भी आता है और कलकत्ता भी आता है दक्षिण भारत के हिसाब से अगर देखा जाए क्योंकि आधा भारत दक्षिण भारत है और आधा भारत उत्तर भारत है तो दक्षिण भारत से अगर हिसाब से देखा जाए तो तमिलनाडु ईस्टर्न जोन है और नॉर्थ इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो बंगाल ईस्टर्न जोन है बिहार उड़ीसा नेपाल ये सब ईस्टर्न जोन में आ जाते हैं हाँ तो कनेक्शन बताया ना अभी दक्षिण भारत के हिसाब से तमिलनाडु ईस्टर्न जोन है और नॉर्थ इंडिया के हिसाब से कलकत्ता ईस्टर्न जोन है और ओम शांति।